हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट वन सेमेस्टर वन के लिए, टू डी चालू हुआ था और टू डी में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर टू, ठीक है, जिसका नाम था आपका चेन ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस। इसी को हम लोग पढ़ रहे थे और हम फिलहाल एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज आपका लिखा हुआ है टू। ऐसे दास गुप्ता के बुक देखिएगा, ठीक है, तो दास गुप्ता के बुक में आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है। जैसे एक्सरसाइज को क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है और हम लोग अभी फिलहाल एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप क्लास में बने रहे, क्लास को हम कंटिन्यू वाले चालू करते हैं, एक्सरसाइज के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। टोटल हम लोग क्या करेंगे, बीएससी जो भी है इसमें पार्ट वन, जैसे पार्ट वन होता है, पार्ट टू होता है और पार्ट थर्ड होता है। अब क्या किया है कि सेमेस्टर वाइज किया है, ठीक है, तो आपका बिल्कुल सेमेस्टर कंप्लीट होगा, सेमेस्टर वन, सेमेस्टर टू, सेमेस्टर थ्री, सेमेस्टर फोर और सेमेस्टर फाइव, सेमेस्टर सिक्स, जो भी होगा सब कंप्लीट होगा। आप बिल्कुल देखे, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चालू करते हैं एक्सरसाइज के प्रश्न को। ये 45 डिग्री पर अगर चेंज करना है तो एक समीकरण दिया है, तो इसका फाइनल जो इक्वेशन आएगा किस टाइप के आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व देखिए, वी नो डेट, ठीक है, x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे x वन cos थीटा माइनस होता है, ये चीज चलेगा y वन sin थीटा, यही चीज ना। लेकिन थीटा इक्वल टू क्या है, 45 डिग्री। आप इसमें 45 डिग्री ऐड कीजिएगा, x1 cos 45 डिग्री माइनस y1 sin 45 डिग्री, तो x बराबर क्या होगा, x1 into 1 बटा क्या आ जाएगा, रूट टू, और y1 into 1 बटा क्या आ जाएगा, रूट टू। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ऊपर से x1 माइनस क्या आएगा, y1 बटा रूट टू आएगा। मतलब जहां पे x है, ठीक है, जहां पे x है वहां पे रखेंगे x1 माइनस y1 बटा रूट टू, एंड y इक्वल टू देखिए, y इक्वल टू इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। याद करने का यही तरीका है कि यहाँ पे साइन रखेंगे, यहाँ पे कॉस रखेंगे, बीच में माइनस है तो प्लस कर देंगे, यानी कि x1 a बन जाएगा साइन थीटा प्लस y1 cos थीटा, ये चीजें रहेगा। थीटा इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री, इसको लिखेंगे साइन 45 डिग्री प्लस y1 cos 45 डिग्री, ठीक है, तो y1 इक्वल टू देखिए, सॉरी, y बराबर क्या होगा, cos 45 का वैल्यू कितना आएगा, 1 बटा रूट टू आएगा, ठीक है, और y1 cos 45 जैसे साइन 45 का वैल्यू होगा उसी तरह से 1 बटा रूट टू, इस वाले को लिखेंगे तो x1 प्लस y1 बटा रूट टू। मतलब जहां पे y नजर आएगा, ठीक है, जहां पे y नजर आएगा उसमें हम लोग क्या रखेंगे, y1 प्लस x1 या x1 प्लस y1 बटा क्या हो जाएंगे, रूट टू हो जाएगा। इस समीकरण को उठा लेते हैं और इसी समीकरण से हम लोग x का वैल्यू y का वैल्यू पुट करेंगे, इसको लिखेंगे पुटिंग b वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन इक्वेशन दीजिए, दिए गए समीकरण क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर है, ठीक है, जहां पे x नजर आएगा हम लोग इसको रखेंगे और y का नजर आएगा इसको रख देते हैं, ठीक है, चलिए ये हुआ x1 माइनस y1 बटा रूट टू का होल स्क्वायर, बीच में क्या होगा, माइनस x1 प्लस y1 बटा रूट टू का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a का स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे देखिएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर और बटा में रूट टू है, रूट टू का स्क्वायर करेंगे 2 मिलेगा, x1 का स्क्वायर माइनस क्या होगा, y1 स्क्वायर माइनस 2 x1 y1,
बटा क्या रखेंगे, टू होगा, बीच में माइनस है, ठीक है। इसमें आएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ पे आइए प्लस क्या लिखेंगे, टू एक्स वन वाई वन बटा कितना आ जाएगा, रूट टू का स्क्वायर करेंगे, टू इक्वल टू क्या होगा, ए का स्क्वायर। ऐसा काम करते हैं, टू और टू का एलसीएम लेंगे, टू मिलेगा और टू का सीधा मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा आपका, टू ए स्क्वायर। तो इस वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस टू एक्स वन वाई वन, बीच में माइनस होगा, माइनस से गुना करेंगे ए भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, माइनस वाई वन स्क्वायर माइनस टू एक्स वन वाई वन आ जाएगा, ठीक है। अब बराबर में लिखेंगे टू ए का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बात यहाँ क्या बनता है, ये बिल्कुल क्या है, दोनों चीजें आपका माइनस प्लस कटेगा, ये देखिए माइनस टू एक्स वन वाई वन माइनस टू एक्स वन वाई वन, इस वाले को हम लोग बोल सकते हैं फोर एक्स वन वाई वन बराबर टू ए स्क्वायर होगा, ठीक है। यह टू से बिल्कुल क्या होगा, कटेगा, तो आपके पास क्या मिला, माइनस टू एक्स वन वाई वन इक्वल टू ए का स्क्वायर। चाहे तो इस माइनस को उधर ले चलेंगे तो क्या मिलेगा, टू एक्स वन वाई वन स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, इसको हम इधर ला करके प्लस ले सकते हैं, इक्वल टू जीरो आएगा। बात समझ में आ रहा है, हेंस द न्यू इक्वेशन इज क्या मिलेगा, टू एक्स वाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यही आंसर आप होगा, ठीक है। बन जाएगा, इसको नोट करेंगे, जब भी एंगल दिया रहेगा चेंज करने के लिए बोलेगा, है, और एंगल दिया रहेगा, एक समीकरण दिया रहेगा, तो एंगल के कंडीशन में आपका ये फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे थीटा, थीटा के जगह पर 45 डिग्री रख करके बढ़िया से सोल्व करेंगे, x का मिलेगा, दूसरा यहाँ से y का इक्वल टू रखेंगे, y इक्वल टू एक्स वन साइन थीटा प्लस y1 cos थीटा होता है, थीटा को हम लोग 45 डिग्री रखेंगे और बाकी साइन 45 और cos 45 का वैल्यू देकर के y का, x और y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में पुट करेंगे, बाकी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद x1 y1 ये लोकस होता है, लोकस ऑफ दी पॉइंट होता है, अब फाइनल लिखेंगे तो x1 को y1 को हम लोग एक्स वाई में लिख देंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करेंगे। नंबर क्या है, टू है ना, ये भी नंबर टू में है, 45 डिग्री पर ही बोला हुआ है, इसका समीकरण अलग है, नंबर क्या हो गया, ये टू हो गया, ए भी नंबर फोर का टू है ना, तो थोड़ा सा चेंज हुआ है, जैसे ये 45 डिग्री पर ही है, आपके पास क्या है, समीकरण दिया हुआ है और ये समीकरण के केवल वैल्यू चेंज हुआ है, ठीक है। तो 45 डिग्री पर अगर हम x का वैल्यू लिखते हैं तो ये फॉर्मूला है, x1 cos थीटा माइनस y1 sin थीटा होता है, और दूसरा में हम लोग y के बारे में बोलेंगे तो x1 sin थीटा प्लस y1 cos थीटा होता है, बात समझ में आ रहा है, ये जादू प्रसार कर रहे हैं लाइट वाला। तो हम लोग यहाँ पे थीटा है वहां पे क्या रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे, क्या रखेंगे हम लोग, 45 डिग्री रखेंगे, बात समझ में आ रहा है, जैसे 45 डिग्री रखेंगे तो x का वैल्यू और y का वैल्यू आपका फाइनल मिल जाएगा। अब करना यहाँ पे क्या है कि x का वैल्यू और y का वैल्यू किस में रखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 2 में रख करके बाकी सॉल्व कर देंगे। जैसे आपके पास क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2xy बराबर है ये। अब इस वाले वैल्यू में हम लोग पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 है
एक्स वन माइनस वाई वन बटा रूट टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वन प्लस वाई वन बटा रूट टू का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? चलिए ये प्लस आ जाएगा, यहां से हम लोग टू लिखेंगे एक्स वन माइनस वाई वन बटा रूट टू इंटू एक्स वन प्लस वाई वन बटा रूट टू बराबर क्या हो जाएगा? टू होगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। कहने के मतलब क्या है ये देखिएगा, थ्री हो जाएगा। इसमें हम लोग लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस टू एक्स वन वाई वन बटा कितना आ जाएगा? टू आएगा। ठीक है, चलिए प्लस a थ्री रहेगा, एक्स वन का स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर प्लस टू एक्स वन वाई वन बटा क्या लिखेंगे हम लोग? इसमें टू लिखेंगे, बीच में क्या होगा? प्लस, इसमें टू रहेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। कहने का मतलब एक्स वन स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर बटा, देखिए और रूट गुने रूट करेंगे तो केवल क्या मिलेगा? टू बराबर क्या होगा? टू। एक बात बनता है कि यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, या तो आप इसको टू से गुना, देखिए टू से डिवाइड कीजिएगा कट जाएगा, फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ऐसा काम करते हैं कि ये देखिए टू और ये भी टू और ये भी टू, तीनों के बटे में टू है तो टू चला जाएगा, उधर में फोर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं थ्री। देखिएगा इसमें थ्री से हम लोग गुना करेंगे, थ्री एक्स वन स्क्वायर प्लस थ्री वाई वन स्क्वायर, तीन दुना के छह एक्स वन वाई वन, बीच में क्या होगा? प्लस। थ्री से गुना करेंगे थ्री एक्स वन स्क्वायर प्लस थ्री वाई वन स्क्वायर प्लस सिक्स से एक्स वन वाई वन, बीच में क्या होगा? प्लस। टू से गुना करेंगे टू एक्स वन माइनस टू वाई वन इक्वल टू क्या होगा? टू इंटू टू, क्योंकि इसके बट्टा में टू होगा, सभी के बट्टे में टू होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, और इसके बट्टे में क्या हम लोग करेंगे? एलसीएम लेंगे तो टू मिलेगा, क्योंकि टू 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 का एलसीएम टू होगा। आइए यहाँ पे अब क्या काम करते हैं, देखिए थ्री एक्स वन का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वन का स्क्वायर कितना मिलेगा? छ, छ और दो आठ, यानी कि मिल गया आठ एक्स वन स्क्वायर, बीच में क्या होगा? प्लस। थ्री वाई वन स्क्वायर, थ्री वाई वन स्क्वायर माइनस टू, मतलब तीन दुना के छ प्लस क्या होगा? फोर वाई वन स्क्वायर माइनस, प्लस कट गया, बराबर में क्या रखेंगे? फोर रखेंगे। फोर कैसे? दो से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, यहां से हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, चार को कॉमन कर दिया, ए बिना टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर बराबर फोर, चाहे ये फोर से फोर हम लोग कट कर सकते हैं। ए बिना टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इक्वल टू फोर, हेंस द न्यू इक्वेशन इज क्या होगा भाई? टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। चलिए ए आंसर आ गया। इस समीकरण को आप पहचान लीजिएगा, कौन सा समीकरण होगा? सर्कल तो बनेगा नहीं, एलिप्स का है, क्योंकि अगर यहाँ पे वृत्त का समीकरण बनता तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट दोनों क्या होता? सेम होता, जबकि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट टू है, वाई स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है? वन है, बीच में प्लस है, ये कोफिशियंट अलग होने के कारण ये इलिप्स बन गया। तो इलिप्स बन गया अलग चीजें है, हमने अगले जब एक्सरसाइज को चैप्टर को पढ़ाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, उसके बारे में पढ़ेंगे तो सब समीकरण क्लियर हो जाएगा कि किसका एलिप्स बनेगा, कौन सा पैराबोला बनेगा, कौन सा हाइपरबोला बनेगा, कौन सा स्ट्रेट लाइन का होगा, कौन सा सर्कल का होगा। ठीक है, चलिए आप इसको जल्दी में नोट करेंगे, उसके बाद नंबर थर्ड को लिखते हैं, और थर्ड भी इसी टाइप का है। यहाँ पे नंबर थ्री है, एक आपके पास समीकरण दिख रहा है और ए भी क्या है कि 45 डिग्री ही बनाने के लिए बोला जा रहा है,
आप तो यहाँ से बिल्कुल एक ही आइएगा, ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री पर यही वैल्यू x का देगा और y का वैल्यू देगा। बात यहाँ केवल चेंज करेंगे, चेंज कैसे करेंगे, आपके पास वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस क्या है फोर वाई इक्वल टू क्या है भाई जीरो है, यही तो चीजें है, ठीक है। जहां पे y है वहां पे हम इसको रख देंगे और जहां पे x है इसको रख देंगे, बाकी इसको सोल्व करेंगे। देखो मैट्रिक्स पढ़ना है ना तो टाइम्स आएंगे बिल्कुल मैट्रिक्स पढ़ा देंगे, है ना, 45 डिग्री भी 45 मिनट भी पढ़ाएंगे तो बहुत काफी हो जाएगा। चीजें आपके पास क्या होगा एक्स वन प्लस वाई वन बटा क्या है रूट टू और ऊपर से हम लोग स्क्वायर दे देंगे, बीच में क्या होगा माइनस, जैसे यहाँ पे फोर लिखेंगे एक्स वन माइनस वाई वन बटा क्या हो जाएगा और रूट टू आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है, और प्लस में आ जाएगा फोर ना, और फोर आएगा तो इसको हम लोग क्या रखेंगे एक्स वन प्लस वाई वन बटा रूट टू आ जाएगा, बराबर में क्या करेंगे जीरो कर लेते हैं, यही चीजें हैं यहाँ पे सेम टू सेम, देख रहे हैं। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से सोल्व करेंगे तो लगाना तो पड़ेगा, तो एक्स वन स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा वाई वन स्क्वायर प्लस में क्या देखेंगे टू एक्स वन वाई वन बटा क्या हो जाएगा टू, बीच में क्या होगा फोर ना। अच्छा इसको हम लोग ऐसे काम करते हैं फोर रूट टू लिखेंगे इससे गुना करते हुए, या तो चलिए छोड़ देते हैं, एक्स वन माइनस क्या आ जाएगा वाई वन प्लस आ जाएगा फोर बटा रूट टू आ जाएगा, ठीक है, और इसमें लिखेंगे एक्स वन प्लस वाई वन इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो आएगा। ऐसा काम करते हैं कि इसमें देखिए आपके पास रूट टू है, यहाँ पे रूट टू है, यहाँ पे टू है, हम लोग को एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, आप इसको एलसीएम लेने वाले हैं तो एलसीएम क्या मिलने वाला है देखिएगा टू रूट टू मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि टू रूट टू टू, तो एलसीएम लेंगे तो टू रूट टू मिलेगा, इससे डिवाइड करेंगे तो रूट टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स वन ये रूट में हो जाएगा प्लस टू रूट, सभी से गुना ही कर देते हैं, जैसे रूट टू मिलेगा ना तो इसमें लिखेंगे तो टोटल गुना ही करके लिख देते हैं टू, देखिएगा रूट टू वाई वन स्क्वायर प्लस टू रूट टू एक्स वन वाई वन, ठीक है, जैसे रूट टू से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा टू और टू से गुना करेंगे तो चार गुना की आठ होगा आठ सौ, इसमें गुना करेंगे आठ एक्स वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आठ वाई वन प्लस है यहाँ पे, जैसे आप रूट टू से डिवाइड कर रहे हैं तो टू मिलेगा और टू से गुना करेंगे चार में तो आठ, आठ से इसमें गुना करेंगे तो एट एक्स वन प्लस क्या होगा एट वाई वन बराबर क्या आ जाएगा जीरो, कुछ कट रहा है ये बिल्कुल कट जाएगा, कट लेंगे इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या मिल रहा है रूट टू एक्स वन स्क्वायर प्लस रूट टू वाई वन स्क्वायर प्लस टू रूट टू एक्स वन वाई वन प्लस क्या मिलेगा एट, एट एट को जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा सोलह वाई वन इक्वल टू जीरो, ये कहाँ चला जाएगा जीरो में, समझ में आ रहा है ना, और तो कुछ नहीं है। देखिए चाहे तो आप यहाँ से रूट टू वगैरह कॉमन भी करके आप लिख सकते हैं, नंबर थ्री है ना, अगर हम इसको अभी भी आंसर हो गया है ना क्योंकि ये लोकस एक्स वन वाई वन और इसे लिख देंगे, लेकिन बुक में इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखा हुआ है, तो देखिए आप रूट टू कॉमन करने वाले हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे एक्स वन स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिला वाई वन स्क्वायर, रूट टू कॉमन करेंगे टू एक्स वन वाई वन, रूट इसके पास नहीं है तो बटा में आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा इक्वल टू क्या आएगा जीरो, रूट कहाँ चला जाएगा जीरो में, तो आप इसको लिखने वाले हैं एक्स वन का स्क्वायर वाई वन स्क्वायर टू एक्स वन वाई वन। अच्छा ये बताइए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सोलह बटा रूट टू परमेकरण करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वाई वन बराबर क्या आ जाएगा जीरो, क्योंकि टू कहाँ चला जाएगा जीरो में, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर प्लस टू एक्स वन वाई वन प्लस इसमें सोलह रूट टू वाई वन,
रूट गुने रूट करके टू कर लेते हैं और ये क्या हो जाएगा जीरो। इससे काटेंगे तो कितना कटेगा, एक बात यहाँ बनता क्या है कि एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर प्लस टू एक्स वन वाई वन प्लस क्या मिलेगा एट रूट टू वाई वन इक्वल टू जीरो। अब इसी को हम लोग लिखेंगे हेंस द न्यू इक्वेशन इज, ठीक है, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस एट रूट टू वाई इक्वल टू जीरो। एक स्टेप लिख देंगे ए स्क्वायर, ठीक है, चलिए यहां से हम आपको लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का फॉर्मूला सेट हो रहा है यहाँ पे देख लीजिए सामने। तो हम लोग क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एट रूट टू वाई इक्वल टू, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये 45 डिग्री पर है, जब भी है आपको केवल ये देखना है कि जैसे ही आप x का वैल्यू y का वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपको क्या करना है, x का वैल्यू यहाँ पे y का वैल्यू जो भी है y है x है y है इसमें पुट करने के बाद बहुत अच्छे तरीका से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एक लिखा है इसी एक रूट टू से गुना डिवाइड करेंगे रूट टू से तो कट जाएगा केवल टू मिल जाएगा, अब टू से मल्टीप्लाई करेंगे चार में तो एट होगा, एट से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस प्लस से मल्टीप्लाई किया बाकी को हम सोल्व कर दिए और इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप इसको जल्दी में नोट करेंगे कितना प्रश्न है जी। उसके बाद एक नंबर आपके पास फाइव दिख रहा है फोर, अच्छा सिक्स तक है, छह प्रश्न है टोटल। नंबर फोर, नंबर फोर है और नंबर फोर में एक देखिए आपके पास यहाँ पे समीकरण दे रखा हुआ है ना, और बोला है कि इसका जो एंगल बनता है वो अल्फा ही बनता है। बहुत अच्छा है कि जैसे 45 डिग्री था तो 45 डिग्री पर हम लोग चेक करते थे, अब 45 के जगह पर क्या है अल्फा बनता है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं कि एक्स बराबर ए हुआ एक्स वन कॉस थीटा प्लस वाई वन साइन थीटा, लेंथी थोड़ा सा चलेगा तो x बराबर क्या होगा x1 cos अल्फा माइनस y1 ना और ये sin अल्फा, कहने का मतलब थीटा बराबर क्या है अल्फा है, बात समझ में आ रहा है। एंड y बराबर क्या होता है x1 sin थीटा प्लस, समझ में आ रहा है ठीक है, sin थीटा प्लस y1 cos, आप इसमें y इक्वल टू लिखना चाहते हैं तो क्या लिखिएगा x1 sin थीटा मतलब sin अल्फा प्लस क्या होगा y1 cos अल्फा, ये चीजें है ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू और y का वैल्यू कहां पे रखना है दिए गए समीकरण में पुट कर देना है ना? इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ the value of x and y in the given equation we get, तो given equation क्या है x square plus 2xy tan alpha है भाई, इसमें tan 2 alpha है ना, tan 2 alpha minus y का square है बराबर a का स्क्वायर c का स्क्वायर 2 अल्फा। आप यहाँ पे पहले क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आराम से सॉल्व कीजिए बिल्कुल आएगा। x का वैल्यू देखिए सामने x1 cos अल्फा माइनस y1 sin अल्फा, ऊपर से क्या करेंगे स्क्वायर बीच में प्लस हो जाएगा, यहां से हम लोग 2 लिखेंगे रख सकते हैं ना 2, इसमें x का वैल्यू x1 cos अल्फा माइनस y1 sin अल्फा, फिर यहाँ पे x1 cos अल्फा भी हो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये एक मिला, इसको मिलाते हैं ये होगा sin अल्फा प्लस y1 cos अल्फा है, और इनटू में क्या है इनटू में लिखेंगे हम लोग tan 2 अल्फा, देख सकते हैं ना, माइनस
ये हुआ एक्स वन साइन अल्फा प्लस वाई वन कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर टू अल्फा। बात समझ में आ रहा है? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो भी लगेगा इसको लगा देते हैं। इसको सोल्व कीजिए ना, a देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर लगा देते हैं, यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देते हैं, इससे इससे में हम लोग गुना उना करते हैं, बाकी आगे समझेंगे क्या करना है। जैसे आप यहाँ से क्या कीजिएगा, x1 का स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस y1 स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2 x1 y1 cos अल्फा sin अल्फा। क्लियर है? यहां से आइए प्लस आप टू टेन अल्फा इसको आगे लिख देते हैं, टेन टू अल्फा, देखिएगा टेन टू अल्फा, इसमें हम लोग ए वाला गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स वन का स्क्वायर ये होगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, नहीं होगा इससे गुना करेंगे तो, इससे गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा एक्स वन वाई वन यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, इससे हमने गुना किया बीच में यहाँ क्या होगा माइनस, इससे गुना करेंगे तो माइनस होगा, ए मिलेगा एक्स वन वाई वन एक्स वन वाई वन और साइन स्क्वायर अल्फा मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा मिलेगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे इससे तो माइनस वाई वन का स्क्वायर और साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया, बहुत काफी है, नीचे लिख देते हैं माइनस, ये हुआ एक्स वन का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस टू एक्स वन वाई वन साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर टू अल्फा। हो गया, हमने कहा इसको किया, देखिए अब आगे सोल्व करेंगे, ये जैसे के तैसे हो जाएगा, यहां से अगर चाहिए तो आप कॉमन भी कर सकते हैं, एक्स वन वाई वन कॉमन नहीं होगा, माइनस कॉमन करेंगे तो ये आगे और ये पीछे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा, तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या तो अभी बाद में लगा दिया जाएगा, कैसे तो हमने इसमें क्या किया, देखिएगा ए हुआ एक्स वन का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई वन स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बीच में माइनस, इसके लिए लिखेंगे टू एक्स वन वाई वन कॉस अल्फा साइन अल्फा बीच में प्लस, इससे गुणा करते हुए लिखेंगे तो क्या मिलेगा टू टेन अल्फा, ये अलग है इसमें हम लोग लिख सकते हैं सजा के लिखे या इसको लिख देते हैं टू एक्स वन का स्क्वायर, टू एक्स वन का स्क्वायर फिर टेन टू अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहां पे आते हैं तो क्या मिलेगा इसको, ठीक है प्लस आ जाएगा टू टेन, अच्छा ऐसे कर लेते एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन फिर हो जाएगा टेन टू अल्फा और इसमें क्या लिखा है कि कॉस स्क्वायर अल्फा कर लेते हैं, नहीं समझे ये वाला, अच्छा इससे गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा ए टू, इसमें सजा के लिखेंगे तो एक्स वन वाई वन ये क्या है टेन टू अल्फा है और इंटू में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, अच्छा यहाँ पे माइनस है एक दो तीन, तीन लिख दिए है एक दो तीन, अरे ये माइनस है इसको लिखेंगे माइनस टू वाई वन स्क्वायर, इसमें क्या आ जाएगा भाई तो टेन टू अल्फा साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इतना काम कर लेंगे, इस माइनस से हमने यहाँ पे गुणा कर दिया तो एक्स वन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, वाई वन का स्क्वायर आ जाएगा क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टू एक्स वन वाई वन कॉस अल्फा और साइन अल्फा, समझ में आ रहा है ना, ये माइनस से गुना हम लोग कर लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर
टू अल्फा हो जाएगा। बस यही काम करना है। अब थोड़ा सा आगे डिटेल्स में भी इसको देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, उस कॉमन को कर लेंगे, बाकी को हम लोग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। चलिए आप यहाँ से थोड़ा सा बताइए कहाँ कहाँ पे कॉमन हो रहा है। जी देखिएगा ये चीजें यहाँ पे देख लीजिए सामने, ठीक है। इस वाले को बात कीजिए पहले और इस वाले को बात कर लीजिए, कर ले क्या कॉमन होगा, 101 कॉमन कर देते हैं, कॉमन कर देंगे ना, क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दो चीजें लिख दीजिए। यहाँ पे आइए इस वाले में और इस वाले में कॉमन कर लीजिए, तो प्लस क्या कॉमन होगा, वाई का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा मिलेगा ना, और माइनस क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में माइनस है कॉस स्क्वायर, इतना कर लेंगे। फिर देखना है प्लस आ जाएगा कि माइनस, इस वाले को भाग को और इस वाले भाग को देख करके बताइए क्या मिलने वाला है, दो दूना के चार, एक्स वन वाई वन क्या मिलेगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। अरे भाई ए माइनस में है, ये भी माइनस है, दोनों सेम टू सेम है, तो चार दो तो हो ही जाएगा, जो जो मिल रहा है उसको हम टिक आउट करते चलेंगे। ए भी खत्म हो गया ना बात, ए भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंचते हैं, देखिएगा आपके पास क्या है यहाँ पे, टू एक्स वन का स्क्वायर है ना, तो ऐसा काम करते हैं इस वाले को इसके साथ काम कर लेते हैं, इस वाले को इसके साथ, देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और टू टू भी कॉमन हो जाएगा, अरे माइनस प्लस है तो टू कॉमन हो जाएगा, बाकी को देख लेंगे थोड़ा एक मिनट में। अच्छा इसमें आगे आइए, इसमें देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है स्क्वायर है, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, प्लस लिख देते हैं, इसमें से टू कॉमन कर लिए, कर लिए ना। अच्छा टेन अल्फा, टेन टू अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा दोनों में कॉमन हो गया, तो हम इसको कॉमन कर देते हैं, टेन टू अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया, क्या मिलेगा, एक्स वन का स्क्वायर माइनस वाई वन का स्क्वायर हो गया ना। यहां से देखिए ये दोनों चीजें में देख लीजिए क्या कॉमन हो रहा है, मतलब ये चीजें बिल्कुल कॉमन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, प्लस में टू एक्स वन वाई वन टेन टू अल्फा, और कुछ कॉमन नहीं होगा, लिखेंगे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर टू अल्फा। क्लियर है मित्रा, समझ में आया। अच्छा आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, देखिएगा यहां से हम बात करते हैं, एक्स वन का स्क्वायर, ए बढ़िया चीजें है कि कॉस स्क्वायर माइनस क्या है साइन स्क्वायर अल्फा, हमने इसमें से माइनस कॉमन कर दिया, तो वाई वन का स्क्वायर होगा और ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, होगा। इसमें देखिएगा माइनस फोर लिख दिया हमने, इस वाले को बात करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, इस वाले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स वन वाई वन, इसमें टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और टू से डिवाइड करते हैं, ऐसा क्यों किया बता रहे हैं, ठीक है कर लिए, क्योंकि देखिए साइन टू थीटा का फॉर्मूला ही होता है साइन टू साइन सॉरी टू साइन थीटा और कॉस थीटा, देखिए कि यहाँ पे टू नहीं है, टू है क्या, नहीं है, हमने कहा क्या कि टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए तो टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा होगा फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला लगाने के चक्कर में हम ये काम किए हैं, ठीक है। अब यहां से देखेंगे बीच में क्या है प्लस, अब यहां से देखेंगे ये वाला भी क्या करेंगे, देखिए हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा यहां तक हो गया ना, इसमें देखिएगा इस वाले को छोड़ देते हैं, तो क्या लिखेंगे टेन टू अल्फा, और ये ऐसे लिख सकते हैं टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, एक्स वन का स्क्वायर माइनस वाई वन का स्क्वायर होगा, लिख तो सकते हैं, क्लियर है तो है। प्लस में आइए, इसमें हम लोग क्या करेंगे टू एक्स वन वाई वन, ये टेन हो जाएगा टू अल्फा, देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, और टू साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है ये साइन टू थीटा का, इस वाले को फॉर्मूला पे यहाँ लगा देना है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए तो कहाँ पे आ गए जी हम लोग, टू एक्स वन वाई ए वाला आ गया, इसमें हम लोग क्या करेंगे कॉस टू अल्फा लिखने वाले हैं, अब बराबर में क्या है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर टू अल्फा हो गया। अब आ गया ये इसमें दोनों में से कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कर ले कॉमन तो क्या मिलेगा देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन हो गया, कॉमन इस वाले को कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर हो गया ना। इसमें क्या होगा ए देखिए टू से ही कट गया, क्या मिला टू एक्स वन वाई वन, और टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा यानी कि कहने का मतलब साइन टू अल्फा हो जाएगा, होगा क्लियर। यहाँ पे देखिएगा इस वाले को भी फॉर्मूला लगाएंगे तो बीच में यहाँ पे प्लस है, थोड़ा सा देखिए ए वाला आ जाते हैं, ए वाला तो लिख दिए, इसमें देखिएगा ये होगा अच्छा साइन थीटा का टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन कॉस होता है, साइन बटा कॉस होता है तो कॉस टू अल्फा इंटू, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए साइन टू थीटा, चाहे अभी छोड़ देते हैं टेन टू अल्फा और साइन टू अल्फा, ये होगा एक्स वन का स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप बीच में क्या होगा प्लस हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए टू एक्स वन वाई वन साइन थीटा बटा कॉस टू अल्फा, और यहाँ भी क्या आएगा कॉस टू अल्फा, मतलब इस वाले को ठीक है ए वो कट जाएगा बराबर क्या आ जाएगा टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर टू अल्फा, क्लियर है ना हो गया। अब देखिएगा ये तो कट गया तो क्या मिला टू एक्स वन वाई वन साइन टू अल्फा, ये बिल्कुल भी कटेगा कट गया। अब बात यहां बनता क्या है कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो हाँ कॉस टू थीटा कॉस टू अल्फा लिखेंगे, तो इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे कॉस कॉस टू अल्फा और इंटू एक्स वन वाई वन का स्क्वायर हो जाएगा, होगा प्लस में लिखेंगे यहां से देखिए साइन टू अल्फा है तो इसको हम लोग लिखेंगे टेन टू अल्फा का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, कर ले पुट क्या मिलेगा यहाँ से हम लोग करेंगे तो हाँ ये लिखेंगे साइन टू अल्फा बटा कॉस टू अल्फा और ये क्या होगा साइन टू अल्फा इंटू एक्स वन वाई वन का स्क्वायर होगा बराबर क्या होगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर टू अल्फा। बाकी इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे बिल्कुल आंसर आ जाएगा, लिखिए देखिए इसके नीचे क्या है वन है और इसके नीचे क्या है कॉस टू अल्फा, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा कॉस टू अल्फा, एक से डिवाइड करेंगे तो कॉस टू अल्फा और कॉस मतलब क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टू अल्फा एक्स वन वाई वन का स्क्वायर, बीच में प्लस कॉस टू अल्फा कॉस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो कब कैंसिल साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर, कहने के मतलब साइन स्क्वायर टू अल्फा और ये एक्स वन का स्क्वायर माइनस वाई वन का स्क्वायर बराबर क्या होगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर टू अल्फा होगा। अच्छा ये बताइए एक्स वन का एक्स वन स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर दोनों में से कॉमन कर सकते हैं, अभी देख करके थोड़ा सा नीचे कर लेना कॉस स्क्वायर देखिएगा तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा मिलेगा, और इंटू जब ये दोनों का हम लोग कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स वन वाई वन का स्क्वायर बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर टू अल्फा बटा क्या आ जाएगा कॉस टू अल्फा आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर
अल्फा इक्वल टू कितना होता है, वन आता है। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस टू अल्फा स्क्वायर में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओहो आपका यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ना, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, स्क्वायर नहीं है बुक में, स्क्वायर नहीं है, मिस्टेक हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे स्क्वायर सब जगह क्या करेंगे, स्क्वायर को हटा देना है, स्क्वायर को क्या करना है, हटा देना है, बिल्कुल हटा देंगे यहाँ से स्क्वायर। देखिए जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन होता है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा है, अच्छा टू अल्फा है ना, एक मिनट इसको टू अल्फा कर देंगे, टू अल्फा ठीक है। कॉस स्क्वायर टू अल्फा प्लस साइन स्क्वायर टू अल्फा का वैल्यू देगा वन, वन से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये देखिएगा अगर कॉस टू अल्फा को हम लोग लिखेंगे वन बाई साइन कॉस वन बाई सेक अल्फा, कॉस थीटा बराबर वन बाई सेक थीटा होता है, तो इसको वन बटा हम लोग काट देंगे तो वन मिलेगा, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू कितना आता है वन आएगा। ये हम लोग लिख सकते हैं इसको कि एक्स वन वाई वन का स्क्वायर बराबर क्या होगा ए का स्क्वायर, ठीक है अमित थोड़ा सा। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस द न्यू इक्वेशन, एच कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। थोड़ा सा आपके यहाँ से बुक में सुधार लीजिएगा कि सेक स्क्वायर केवल नहीं था, सेक टू अल्फा था, सेक टू अल्फा था, तो वैसे कुछ दिक्कत नहीं है, इधर वाला ये नीचे वाला में चुपचाप रखते हैं, बाकी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। देखिए क्या करना है, यहाँ से आपको कोई डाउट नहीं है, जहां पे थीटा है वहां पे अल्फा रख दिए, हमने क्या किया कि सभी का वैल्यू पुट करके सोल्व करना चालू कर दिया, सोच के ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए टेन टू अब सजा के लिखे हैं, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए हैं और आर एच एस वाले को चुपचाप छोड़ दिया है, ठीक है एक मिनट रुक जाइए। अब जो चीजें हैं इसको हम लोग क्या करें, गुना करके इसमें से भी गुना करके सजा के यहाँ पे लिखा हुआ है, कई टर्म है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह है, मतलब उसके लेकर के हमने कहा किया कि एक्स वन कहाँ कहाँ पे है भाई, एक्स वन का स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो दो जगह है, कॉमन करने के बाद क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। उसी तरह से वाई वन को कॉमन किया, देखिएगा वाई वन को कॉमन किया तो वाई वन कॉमन हो गया तो साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, ठीक है। इस वाले में और इस वाले दोनों को देख लिया हमने, दोनों का देखे है तो दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कर देंगे माइनस माइनस, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस जोड़ करके चार लिख दिए, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग आए बाकी चीजें को छोड़ दीजिए इस वाले को, ठीक है समझ में आ रहा है ना, या तो हम लोग इस वाले को देखेंगे प्लस टू टेन अल्फा इस वाले को, ठीक है यहाँ पे और यहाँ पे, तो इस वाले में से हम लोग क्या कर लेंगे इतना कॉमन करेंगे टू टेन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, बाकी हम लोग कॉमन करेंगे किस वाले में स्क्वायर वाला में से, तो एक्स वन का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा वाई वन का स्क्वायर हुआ, समझ में आ रहा है ना चीजें, यहां से देखिए कॉमन कर दिए हैं तो एक्स वन का स्क्वायर माइनस वाई वन का स्क्वायर आ गया, बाकी चीजें हम लोग क्या करेंगे इसको लिख दिए हैं, समझ में आया, यहाँ पे होगा ना टू एक्स वन वाई वन टेन अल्फा, यहां से देखिएगा इसमें से और इसमें से हम लोग कॉमन कर दिए हैं, समझ गए बात को, लेन दी है अलग बात है। हमने क्या किया देखिएगा इस फॉर्मूला को भी ध्यान में रखते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा होता है, हमने यहाँ देखा कि यार नहीं साइन स्क्वायर में से घट रहा है, जबकि घटना क्या चाहिए कॉस स्क्वायर में से, इसमें से हमने माइनस को कॉमन कर लिया, ठीक है यहाँ देखिए कि नहीं इसके पास टू रहता तो अब साइन टू थीटा लिखते, लेकिन इसके पास टू नहीं, हमने कहा टू ऐसे चार को लिख सकते हैं, हमने टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करके और टू से काट दिए, बाकी इसको फॉर्मूला कर दिए, ठीक है यहाँ पे हम लोग फिर फॉर्मूला इसको माइनस कॉमन कर दिए और ये दोनों में से कॉमन कर दिए, ये चीजें कॉमन हो रहा था कॉमन कर दिए, बाकी एक्स स्क्वायर यहाँ पे कर लिए और ये चीजें कट गया, जो बच गया उसको हमने फॉर्मूला लगा के लिखा है ए फाइनल, अच्छा
इस वाले को फॉर्मूला लिख करके, ठीक है, tan 2 अल्फा, तो sin 2 अल्फा बटा cos 2 अल्फा और इनटू cos अल्फा, ये कट गया, ये कट गया, तो ये प्लस में और ये माइनस में, ए भी कट गया, जो बच गया उसको लिखे। हमने फिर से देखा कि यहाँ पे चीजें देखिएगा, इसके बारे में यहाँ आ गए, इसका फॉर्मूला लगा दिए, इसमें हम लोग tan थीटा लिखेंगे, sin थीटा बटा cos थीटा, लेकिन 2 अल्फा है तो 2 अल्फा लिखेंगे, बाकी sin 2 अल्फा, इसको गुणा करेंगे तो स्क्वायर पकड़ेगा, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे क्या है cos 2 अल्फा, एलसीएम लेंगे, cos 2 अल्फा यहाँ पे जाएगा, स्क्वायर पकड़ लेगा, इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो ये मिलेगा cos स्क्वायर 2 अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, ये दोनों का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग इस वाला में दे सकते हैं, ठीक है। और sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं जैसे 2 sec है 2 अल्फा, और cos को हम लोग sec में बदल करके इसको काट सकते हैं, ठीक है, a का स्क्वायर है ना, इसको कट कर सकते हैं, a का स्क्वायर मिलेगा, जो कि हम लोग लिखे और न्यू इक्वेशन में क्या करेंगे xy में लिखेंगे। चलिए जल्दी में आप इसको नोट करेंगे, तो नंबर जो 4 का आपका 6 प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें हमने लिखा है 5 और 6 को लिखे हैं। देखिए ये समीकरण दे रखा है, और समीकरण में आपके पास ए प्लस 1 है, ठीक है, बराबर 0 है, ये बोला है कि 45 डिग्री, देखिए 45 डिग्री पर हमने 2-3 प्रश्न बना चुके हैं 45 डिग्री में, ठीक है। तो आप ऐसा काम कीजिएगा कि नंबर 6 को आप सोल्व कर लीजिए, बिल्कुल आंसर आ जाएगा, आंसर हम लिख देंगे कि ये आंसर ये आएगा, और नंबर हम 3-5 को बनाते हैं क्योंकि 30 डिग्री दिया हुआ है, इसका थोड़ा सा अलग टाइप से टेबल आएगा। जैसे आप यहां से लिखेगा वी नोड एट, तो वी नोड एट में क्या होता है कि एक्स बराबर एक्स वन कॉस थीटा माइनस वाई वन साइन थीटा, थीटा इक्वल टू कितना रखिएगा आप, तो बोलिएगा 30 डिग्री रखना है, कितना रखना है 30 डिग्री। बात यहाँ बनता क्या है कि x बराबर, ठीक है, बताइए x वन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है रूट 3/2, y वन साइन अगर 30 का वैल्यू रखेंगे, बात नहीं करेंगे जी यहाँ से, x बराबर क्या होगा रूट 3 x वन माइनस y वन बटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है। एंड y बराबर y वन कहने के मतलब देखिए x1 a होगा sin थीटा प्लस y1 a होगा cos थीटा, चलिए y बराबर x1 a होगा sin कितना डिग्री रखे 30 डिग्री आप रखिएगा प्लस y1 cos 30 डिग्री। चंदन x1 1 बटा कितना जाएगा 2 रूट 3/2, तो y1 बराबर क्या आ जाएगा भाई, या y बराबर लिखेंगे ये हुआ x1 प्लस रूट 3 y1 बटा कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, 2 और 2 एलसीएम लेकर के लिख रहे हैं, तो x का वैल्यू आपको पता चल जा रहा है, y का वैल्यू पता चल गया, तो आप क्या कीजिएगा, ये समीकरण एक से चलिए तो फ्रॉम इक्वेशन क्या चलेंगे 1 होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 1 में क्या है भाई x स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या है 2 ए स्क्वायर। अब x का वैल्यू यहाँ से रखिएगा, तो x का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे देखिएगा, रूट 3 एक्स वन माइनस वाई वन बटा 2 का और स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 आ जाएगा, इसमें हम लोग क्या बात करते हैं इधर, ठीक है, x का वैल्यू तो रूट 3 एक्स वन माइनस वाई वन बटा 2, ये हो जाएगा यहाँ से x1 प्लस रूट 3 y1 बटा 2 माइनस ये हुआ x1 प्लस रूट 3 y1 बटा 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा 3 एक्स वन के स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 एक्स वन वाई वन बटा लिखेंगे 4, बीच में क्या होगा प्लस, हमने इसको क्या लिखा 2 बट्टा
देखिएगा टू रूट थ्री बटा टू, इसको कट नहीं करते हैं, एलसीएम लेने में हमें सुविधा मिलेगा, या इसको काट करके लिखिएगा तो केवल क्या मिलेगा रूट थ्री मिला, इसको हमने गुणा किया तो क्या मिलेगा रूट थ्री, एक्स वन का स्क्वायर कर देते हैं, इसे गुणा करेंगे तो एक्स वन का स्क्वायर आएगा, प्लस में आ जाएगा थ्री एक्स वन वाई वन आ जाएगा, माइनस एक्स वन वाई वन आ जाएगा, क्योंकि रूट थ्री को करेंगे थ्री मिलेगा, माइनस रूट थ्री वाई वन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और बटा में कितना लिखेंगे टू, एक बचा हुआ है टू, माइनस आ जाएगा यहाँ से लिखिएगा एक्स वन का स्क्वायर प्लस थ्री वाई वन स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री एक्स वन वाई वन बटा कितना आ जाएगा फोर इक्वल टू टू ए का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ठीक है। ऐसा काम करते हैं, देखिएगा चार दो, इसके नीचे दो है और इसके नीचे चार है, एलसीएम कितना मिलने वाला है, एलसीएम कितना मिलेगा चार मिलेगा, तो इससे डिवाइड कीजिएगा थ्री एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स वन वाई वन, बीच में क्या होगा प्लस, देखिएगा थोड़ा सा ये दो से डिवाइड करेंगे दो मिलेगा, दो से गुना करेंगे तो रूट टू होगा, रूट टू थ्री होगा कि नहीं होगा, होगा ना, गुना करेंगे सीधा थ्री गुने थ्री करेंगे तो क्या मिलेगा रूट थ्री गुने रूट थ्री थ्री मिलेगा, इसको लिखेंगे थ्री एक्स वन का स्क्वायर, लेकिन दो से डिवाइड थ्री की है तो टू मिलेगा, सिक्स कर दे, देखिएगा दो से हम लोग डिवाइड करेंगे तो टू मिलेगा, और टू से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टू रूट थ्री होगा, जैसे यहाँ पे टू रूट थ्री होगा तो दो से गुना करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा रूट थ्री यानी कि सिक्स से एक्स वन स्क्वायर हो जाएगा, इसमें हम लोग गुना करेंगे तो देखिएगा घटेगा तो क्या मिलेगा दो गो, तीन में से एक गो घटेगा तो दो मिलेगा, और इससे हम लोग गुना करेंगे तो दो दो के चार रूट थ्री एक्स वन और वाई वन, इससे गुना करेंगे तो सिक्स वाई वन का स्क्वायर, बात समझ में आ रहा है ना, ये क्या होगा बीच में माइनस फोर से डिवाइड करेंगे तो यानी कि एक्स वन वाई वन माइनस टू रूट थ्री एक्स वन वाई वन बराबर में क्या आएगा टू ए स्क्वायर आएगा, इसमें देखिएगा किसमें इधर में चार है और चार से हम डिवाइड करेंगे क्लियर है भैया, देखिए यहाँ पे तीन एक्स तीन और छ नौ नौ में से एक घटाएंगे कितना मिलेगा एट एक्स वन स्क्वायर, यहाँ पे वाई वन है एट, यहाँ भी कितना है छ यानी कि पांच, मतलब नौ नौ में से क्या होगा यहाँ भी आठ मिलने वाला है माइनस में, ठीक है चलिए माइनस इस वाले को और एक इस वाले को आप देख लीजिए और इस वाले को देख लीजिए क्या आने वाला है, देखिएगा ये क्या है टू रूट थ्री एक्स वन वाई वन माइनस टू रूट थ्री एक्स वन वाई वन, दो दूना के चार, लेकिन यहाँ पे क्या है फोर रूट थ्री एक्स वाई वन, ये बिल्कुल क्या होगा कट गया और क्या मिलेगा कुछ नहीं, बाकी तो सब लिखा गया है, इक्वल टू कितना आ जाएगा टू ए स्क्वायर बटा यहाँ पे चार, चाहे तो इसको चार से डिवाइड करेंगे, चार से डिवाइड कर दे, चार से डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा टू एक्स वन स्क्वायर माइनस टू वाई वन स्क्वायर इक्वल टू टू ए स्क्वायर, क्या हम इसमें से टू कॉमन कर सकते हैं एक्स वन वाई वन स्क्वायर इक्वल टू टू ए स्क्वायर, ये कट सकता है, ये मिला एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, यहां से हम लोग क्या लिखेंगे हेंस द न्यू इक्वेशन एच एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, चलिए नंबर क्या था फाइव, ठीक है नंबर सिक्स आपको सॉल्व करना है,
नंबर सिक्स को बिल्कुल सॉल्व कीजिएगा। नंबर सिक्स का हम आंसर लिख देते हैं, तो आंसर में क्या होने वाला है देखिएगा। नंबर सिक्स का हम आंसर को लिख देते हैं, एक्स का स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू रूट टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक ही आंसर आएगा। होता है एलसीएम टू नहीं है फोर है, फोर ढक दिया था तुमको, टू में नहीं कुछ समझ में आता, ध्यान नहीं देता हूँ। चलिए आप नंबर सिक्स बनाइएगा और मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में नंबर फाइव को लेकर के। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।